रविवार को लंदन एक बार फिर आतंकी हमले से दहल उठा। दक्षिण लंदन के स्ट्रेथम इलाके में एक हमलावर ने कई लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बाद तुरंत हरकत में आई पुलिस ने हमलावर को चारों ओर से घेर लिया। स्थानीय वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बजे के करीब पुलिस की गोली से हमलावर ढेर हो गया। लंदन पुलिस ने इसे आतंकी हमला बताया है। आतंकी घटना की खबर सुनकर लोग सहमे हुए हैं। What did you see here? We just live over there, and we just heard some cars, and we hear them quite often come down this road. But there seems to be a lot more. And then our friends, who also live above us, said they heard some shots. I think they said about 3 or 4 went off. So yeah, that was around. Do you know what time is that? Probably around. We just come back from going to the shops and yeah, it's scary. स्थानीय लोगों के मुताबिक हमलावर ने अपने शरीर पर चमकीले रंग के कनस्तर बांध रखे थे। हमलावर की पहचान अभी तक जारी नहीं की गई है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। स्ट्रेथम स्ट्रीट लंदन का बिजी शॉपिंग इलाका है। पुलिस ने लोगों को यहां आने से फिलहाल मना किया हुआ है। कई लोग सोशल मीडिया पर घटना के वक्त के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। पिछले साल 29 नवंबर को भी एक शख्स को गोली मारी गई थी। उसने नकली सुसाइड जैकेट पहनी हुई थी। पाकिस्तानी मूल के उस्मान खान नाम के सजायाफ्ता आतंकी ने लंदन ब्रिज पर 2 लोगों को मार डाला था। हमलावर ने ब्रिज पर मौजूद लोगों को खुद को उड़ाने की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस ने उसे गोली मार दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।